को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों को लेकर बैठक की जा रही है। जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि सभी जोन के एडीजी, आईजी, डीआईजी, कप्तान और सीपी बैठक में जुड़े हुए हैं। डीएम, डिविजनल कमिश्नर, सीडीओ, डीपीआरओ, सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हुए हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद और साथ ही आपको बता दें डीजीपी प्रशांत कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक इस वक्त जारी है और आपको बता दें कि सभी जिलों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी बैठक चल रही है और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस बैठक को लेकर, ये बड़ी बैठक, क्योंकि देखिए आगामी समय में त्योहार है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? अनूप, देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी जिस तरह से तमाम त्यौहार हैं, चाहे गणेश चतुर्थी है, इसके अलावा जो चल रहा है, इसके अलावा बारफात है और नवरात्रि जो है वो भी त्यौहार आने वाला है, उसके बाद दीपावली आनी है, तो तमाम त्यौहारों को लेकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है। ये बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है मुख्यमंत्री के तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो तमाम अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव सहित जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं संजय प्रसाद, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम जो विभाग हैं उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। इसके अलावा वीसी में जिलों के जो तमाम एडी जोन सहित जो तमाम जिलों के जो आईजी रेंज है, डीआईजी है, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर है, कप्तान है, जो जिलों के डीएम है, इसके अलावा जो सीएमओ है वो भी जो है इस वीसी में जो है मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आगामी त्यौहार है, त्यौहारों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा सके, लिहाजा उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो कुछ घटनाएं जो है कई जिलों में सामने आई है, उन घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री सीधे जो है अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि छोटी से छोटी घटना को सीरियसली लें और जो सीनियर अधिकारी हैं वो खुद मौके पे पहुंचे, ताकि छोटी घटना को बड़ी घटना में जो है बनने से रोका जा सके। इसके अलावा जो तमाम पूर्व की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ वो मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो अन्य विभाग है, क्योंकि त्योहारों में बड़ी भूमिका रहती है तमाम विभागों की, चाहे नगर निगम की बात करें, राजस्व की बात करें, परिवहन की बात करें, तो उनके अधिकारियों से भी वो जो है वीसी के जरिए जो है मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो तमाम डीएम है उनको भी जो है आदेशित कर रहे हैं कि त्योहारों को लेकर के पूरी जो व्यवस्था है वो समय से पहले जो है कर ली जाए। तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, जो तमाम जहाँ जहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, तमाम संवेदनशील जिले हैं, तमाम संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर कई घटनाएं सामने आई हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार वो मंथन कर रहे हैं। और जो वीसी है वो भी माना जा रहा है कि काफ़ी देर तक चलने वाली है और ये बड़ी बैठक है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो हर हाल में मेंटेन रहे, लिहाजा उसी को लेकर के ये बड़ी बैठक बुलाई है। आगामी त्योहारों को लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद जो सीनियर अधिकारी है उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि आखिर क्या एक्शन प्लान जो है उनकी तरफ से तैयार किया गया है। तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो कुछ ऐसी भी घटनाएं आई हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की साख पे सवाल उठे हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री की बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जो लगातार जारी है और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि यही जो मुख्यमंत्री आवास है जहाँ पर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो लगातार चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव सहित उत्तर प्रदेश जो प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री के संजय प्रसाद, इसके अलावा डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार सहित जो तमाम अधिकारी वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं, और उत्तर वीसी के जरिए जो तमाम जिलों के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी बैठक है जो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो भी जारी कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुख्यमंत्री की यही है कि लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हर हाल में मेंटेन रहना चाहिए, लिहाजा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना पर तत्काल जो अधिकारी हैं वो एक्शन लें। ठीक है अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी।